बारिश में क्या करे और क्या ना करे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वाइज नेस्ट में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम आ चुका है और हमें गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन बारिश का आनंद लेते हुए हमें अपने और अपने परिवार को बारिश के मौसम में होने वाले कुछ बीमारियों से बचाने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। आइए देखते हैं इस बरसात के मौसम में क्या करे और क्या ना करे ताकि आप सुरक्षित रहे और बारिश का आनंद भी ले सके। पहले देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर एक, शुद्ध या उबला हुआ पानी पिए। शुद्ध या उबला हुआ पानी पिए क्योंकि पानी के दूषित होने की संभावना होती है और आप टाइफाइड या कोलेरा जैसी बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। नंबर दो, खुद को साफ रखें। नियमित रूप से नहाएं और खुद को साफ रखें। जब भी आप बाहर से घर आएं, तो अपने हाथ और पैरों को अच्छे से धो लें। अगर आप सड़क पर गंदे पानी के संपर्क में आए हैं, तो अपने आप को अच्छे से साफ करें। नंबर तीन, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना। बारिश में अपने फलों और सब्जियों को बहते हुए पानी के नीचे अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कीटाणु फलों और सब्जियों की त्वचा पर रहते हैं। अच्छे से पकाया हुआ खाना ही खाएं। नंबर चार, एलर्जी से खुद को बचाएं। बारिश के मौसम में एलर्जी बहुत आम होती है, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। ताजे मौसमी फल और सब्जियां खाकर अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और अपने विटामिन सी का सेवन भी बढ़ाएं। नंबर पाँच, नियमित व्यायाम करें और अच्छी नींद लें। व्यायाम न केवल वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि आपकी प्रतिकार शक्ति को भी बढ़ाता है। बरसात में अपने परिवार के साथ कुछ मजेदार व्यायाम करने की कोशिश करें, जो वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे शरीर को मजबूत कर सके। साथ ही 7 से 8 घंटे की नींद इम्यूनिटी को बढ़ाती है और फ्लू से भी बचाती है। आइए अब देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। नंबर एक, ठहरा हुआ पानी जमा न करें। अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि ठहरे हुए पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं। आपके घर में पानी का कोई भी भंडार खुला ना छोड़े। फ्लावर पॉट और बर्तन में कभी कभी पानी जमा हो जाता है और मच्छरों को जन्म दे सकता है। ठहरे हुए पानी को साफ करें और आवश्यक हो तो मच्छर भगाने वाले स्प्रे और मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। नंबर दो, बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का खाना या जंक फूड ना खाएं। हालांकि ये खाना स्वादिष्ट और हमेशा आकर्षक होता है, लेकिन बरसात के मौसम में स्वास्थ्य कारणों से स्ट्रीट फूड की जगह घर का बना खाना ही बेहतर है। सड़क पर आमतौर पर पानी से भरे गड्ढे होते हैं और विभिन्न प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं, जिससे आपको बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। नंबर तीन, गंदे पानी में न चलें। गंदे पानी में चलने या सड़क पर पोखरों में कदम रखने से बचें, क्योंकि ये आपके पैरों को वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। यदि आपने एक में कदम रखा है, तो घर पहुंचने पर अपने जूते निकाल दें और तुरंत अपने पैर धो लें। हो सके तो अपने ऑफिस पर एक जोड़ी जूते और मोजे जरूर रखें। नंबर चार, गीले होने पर एसी कमरे में प्रवेश ना करें। यदि आप बाहर से आते समय भीग जाते हैं, तो अपने ऑफिस या घर के एयर कंडीशनर कमरे में प्रवेश ना करें। अगर घर पर है तो खुद को पहले सुखाएं और कपड़े बदलें। अगर ऑफिस में है तो खुद को सुखाने के लिए टॉलिया साथ रखें और हो सके तो ऑफिस में एक जोड़ी कपड़े रखें। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा से आपकी त्वचा और कपड़े गीले होने पर आपको सर्दी हो सकती है। नंबर पाँच, गीले कपड़ों में ज्यादा देर तक ना बैठें। कई बार हम कहीं जाते समय भीग जाते हैं। अगर हम अपने गीले कपड़ों में लंबे समय तक रहते हैं, तो आसपास मौजूद नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सूखा रहे और फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए
आवश्यक सावधानियां बरते। आशा है कि इस मौसम का आनंद लेते हुए आप क्या करें और क्या न करें का पालन जरूर करेंगे। सुरक्षित रहे और अपना अच्छा ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।